सरकार में तीसरे वर्ष दीपोत्सव मनाने के लिए अयोध्या तैयार है। जिला प्रशासन दीपोत्सव को लेकर कमर कस चुका है, लेकिन इस दीपोत्सव को भव्यता कैसे दी जाए और जनमानस के साथ हर वर्ग कैसे जुड़े, इसका मंथन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने अयोध्या शोध संस्थान में अयोध्या के प्रमुख संत महंतों के साथ एक बैठक किया। इस बैठक में जिला प्रशासन ने दीपोत्सव को भव्यता व जनमानस को कैसे जोड़ा जाए पर चर्चा करते हुए सुझाव मांगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अयोध्या के दीपोत्सव से सभी समाज सहित हर वर्ग के लोग जुड़े, जिससे दीपोत्सव एक सरकारी कार्यक्रम नहीं होकर जनमानस का कार्यक्रम हो सके। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य महंत कमल नयन दास, संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास, राम बल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने नोट किया और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल करने की बात कही। योगी आदित्यनाथ सरकार में अयोध्या में इस बार तीसरे वर्ष दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। यह दीपोत्सव कार्यक्रम पिछले दो वर्षों के दीपोत्सव कार्यक्रम से ज्यादा बड़ा है। खास बात यह है कि दीपोत्सव के अक्टूबर माह सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मसले पर सुनवाई समाप्त करते हुए फैसला रिजर्व करने जा रहा है। अयोध्या के संतों की आशा है कि इस बार दीपोत्सव में श्री राम का वनवास समाप्त होगा। श्री राम टेंट से दिव्य भव्य मंदिर में विराजेंगे। क्या क्या बातें सामने? एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है, जो धनतेरस से प्रारंभ होकर के भैया दूज तक चलेगा और उसका जो सबसे मुख्य जो पर्व है वो छोटी दिवाली के दिन 26 तारीख को यहाँ होगा, जिसमें कि 5.5 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसमें पूरे अयोध्या के सभी जो संस्थान हैं, सभी जो हमारे धार्मिक मठ मंदिर हैं, पूरा जो अयोध्या का जनमन है, उन सबका सहयोग प्राप्त हो और पूरी अयोध्या एक साथ इसको मनाए, इसके लिए आज जो है संत समाज का परामर्श यहाँ पे प्राप्त किया गया, उनसे सुझाव लिया गया और उनसे सहयोग की भी अपेक्षा की गई और उन सबका सहयोग हमें मिलेगा, ऐसा उनका आश्वासन हमें मिला है। तो सबको मिल करके एक दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पे होगा, इसी दृष्टिकोण से आज ये बैठक आगे। देखिए, सभी सुझाव हमने नोट किए हैं और जहाँ भी उन्होंने किसी भी असुविधा को लेकर के अपना सुझाव दिया है, चाहे वो कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के है या अन्य दिनों में कहीं कोई समस्या आती है, वो सारी समस्याओं को नोट किया गया और उन सब पे अमल किया गया। जनमानस को उनका कार्यक्रम तय हो रहा है और संभव है कि कल पुनः इस पर पहुंचे। लक्ष्य सब पूरा 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 लक्ष्य राष्ट्र निर्माण और किन चीजों पे बात हुई, इन चीजों को लेकर और क्या? हाँ, सब लोग सारे संत महंत सभी मिल करके इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को भव्य बनावें, अपने अपने मंदिरों में उनको भी खूब ढंग से सजावें, दीपोत्सव करें। ठीक, सुझाव देना आवश्यक है, जो 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 जिन समस्याएँ हैं उसे बताना, ये कार्य होना चाहिए, किसी को पास की कहीं गंदगी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं उनके सामने सुझाव दिया गया। अब तमाम सारी बातें हैं दीपोत्सव के लिए, सभी लोग भव्यता से मनाएं, अपने अपने मंदिरों को खूब सजाएं और क्या मुख्य लक्ष्य तो हमारा यही है। हाँ,